लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के 34 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, एजीएम श्री साहू जी, डीआरएम संजीव कुमार जी, सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहे हैं। यह देश के लिए सचमुच बड़े गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल ने वैश्विक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा पाई है।